एक हम और एक तुम, ऐसे मिले इस तरह, एक हम और एक तुम, ऐसे मिले इस तरह। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तो होना ही था। एक हम और एक तुम, ऐसे मिले इस तरह, एक हम और एक तुम, ऐसे मिले इस तरह। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तो होना ही था। जी कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। हमने तुम्हें पसंद कर लिया है। अपने लिए? हमारे लिए। एक बात है भाई, हम तुमको अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम फिल्म डायरेक्टर हो का? हैं? दोस्त? कौन? दोस्त, रूम पार्टनर। तुम्हारा वो रूम पार्टनर हमारी सोनिया को झांसा दे रहा था। अरे वो एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। पापा, I don't think so। इतना बुरा कैसे हो सकता है वो? हाँ, तुम तो उसका तरफदारी करोगी। तुम्हारे मतलब की बात जो करता है उससे। ऐसा क्या कह दिया उसने कि इतना ताव आ गया? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ, अच्छा ही तो है वो। Like he's so nice। हम तुम दोनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों में का खिचड़ी पक रही है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम दोनों हमारे पीठ पीछे उस लड़के से मेल जोल बढ़ा रही हो। अरे उसके घर चले गए तो क्या हुआ, पड़ोस में तो रहता है वो। अच्छा, तो तुम उसके घर भी चले गई? चली गई तो क्या हो गया, अपनी बेटी के लिए तो गई। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तो तुम अपनी लड़की की सिफारिश के लिए अपनी इज्जत ताक पे रख के उस लड़के से मिलने भी चली गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा, मम्मी को ये सब करने की क्या जरूरत है? वो तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। लो, कर लो बात। इसको ये भी मालूम है कि वो इसको पसंद करता। अरे वो आपकी बेटी को नहीं तो आपकी बीवी को पसंद करेगा? तुम लोगों ने तो शरम धोके पी ली, अब तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ही अच्छा। अरे रे 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 रे, मरने के पहले अपनी बेटी की शादी तो कर जाओ। अरे अब तुम्हारी बेटी के साथ शादी कौन करेगा? हाँ, और अगर उसे पता चल गया कि उसका होने वाला ससुर उसे नौ नौ मन गालियां दे रहा था, तब तो तुम्हारी बेटी से बिल्कुल शादी नहीं करेगा। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अरे एक मिनट, तेरी मम्मी तो फ्रंटियर मेल की तरह ऐसे सरपट भागती है कि किसी स्टेशन पर रुकने का नाम ही नहीं लेती है, और तू उसके पीछे पीछे सरपट भागती है। अरे हम कब उस भले लड़के को गाली दिया है भाई? एक मिनट, तो आप बॉबी के बारे में बात नहीं कर रहे थे? अरे पर हम मिलने तो उसी से गए थे, फिर आप किसके बारे में बोल रहे थे? मेरी धर्म पत्नी, मेरी भाग्यवान, जरा दो मिनट सांस तो ले ले। लो ले ली सांस, अब बताओ। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि बॉबी जैसा लड़का तो ढूंढे नहीं मिलेगा। हम तो उसके छिछोरे पार्टनर का नाम है उसका, विकी के बारे में बात कर रहे हैं। वही जिसने आपको नौकर कहा था? हाँ, और जिसके सामने तुम ऐश्वर्या राय बन के खड़ी हो गई थी, जैसे तुमको मालूम था कि वो फिल्म डायरेक्टर है। क्या, फिल्म डायरेक्टर? हाँ, उसी ने तो उन नौटंकी को भेजा था यहाँ तुम्हें बहकाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो तुमको हीरोइन बना देगा। क्या पता, बना ही दे। माँ, हीरोइन आपको नहीं मुझे बनना है। कहा बोली? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सोनिया, इसके डैड ने मुझको पीटे थे, अब ये आके मुझको मारेंगे। हे गॉड, व्हाट इज दिस? मैं क्या ढोल क्यों? कोई भी आए और बजाते चला जाए। प्लीज सेव मी। हे बॉडी, क्या हुआ? सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। अब सॉरी कहने से बात नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करने का मतलब, व्हाट यू वांट? अब तुमको वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। कास्टिंग काउच आउट, लाइक
लाइक अपने डायरेक्टर को जाके बोलो दैट आई एम रेडी. नहीं सॉरी, आई एम रेडी. लेकिन मेरा डायरेक्टर इज नॉट रेडी. तो उसे रेडी कर लो. मतलब तुम हीरोइन बनने के लिए तैयार है? बिल्कुल. बट व्हाट अबाउट योर क्रेजी पापा? मेरे पापा क्रेजी नहीं है. पर सुनो, क्रेजी हो जाएंगे. हो जाएंगे. ओह गॉड, मतलब फिर से वो मुझको मारेंगे? तो तुम मर जाना. मेरा मतलब है तुम ना मरने की एक्टिंग कर लेना. अब मरे हुए को दोबारा थोड़ी ना मारेंगे वो. You are right. मतलब मरेंगे तो ही जिंदा रहेंगे. अब हम ऐसे ही करेंगे. वाओ, वैसा तुम तब करेंगे. अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करेंगे. ओके, बिल्कुल ओके. लेकिन एक बात बताओ, लैंग्वेज कैसे सुनी हुई है? आईने में. आईना? अभी मुझे बात समझ में आई. आईना? तो तुम अपने डायरेक्टर के पास हमारा फोटो लेके जाएंगे. जाएंगे, उनको दिखाएंगे. दिखाएंगे और हमें हीरोइन का रोल दिलवाएंगे. बॉबी भैया बनेगा दूल्हा, राजा भैया बजाएगा बाजा. बॉबी भैया आप दूल्हा बनोगे और राजा बजाएगा बाजा? इसका मतलब आपकी शादी हो रही है. स्मार्ट बॉय, जरा पलटना. बावले, हर बात देर से समझता है. ओह, लेकिन शुक्र है तुम बात समझते तो हो. वैसे तुम्हें पता है मेरी शादी हो रही है? ये नहीं पूछोगे किससे हो रही है? अरे क्यों नहीं पूछूंगा बॉबी भैया, बताओ किससे हो रही है? इसकी शादी हो रही है किससे? अरे तू पूछ रहा है किससे? अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है पगले, जो हर न्यूज चैनल पर फ्लैश होगी. तो मैं तुझे कैसे बता सकता हूँ बता? इसकी शादी की खबर और वो भी न्यूज चैनल पे? पोपटलाल जी, हमको टीवी कहाँ देखने देते हैं? कहते हैं कि बिजली की बचत करो. आप हमको बता दीजिए, हम किसी को नहीं बताऊंगा. किसी को भी नहीं? ना. आप फिकर मत कीजिए, हम किसी को नहीं बताऊंगा. तो सुन, सोनिया से मेरी शादी होने वाली है. आपकी शादी सोनिया से होने वाली है? अरे धीरे बोल पुष्पा. पुष्पा? पुष्पा के भाई. चोरी छुपे कोई सुन लेगा रे? सुन लेगा क्या, मैंने सुन लिया है. राजा इधर, इसको जाके बोल दे कि ये सब झूठ है. झूठ है ये सब. राजा जाओ, जाकर इसे कह दो कि सच हमेशा कड़वा होता है और ये कड़वा घूट इसे पीना ही पड़ेगा. जाओ. राजा इसको बोल दे कि जिस दिन मेरी शादी सोनिया के साथ होगी ना, उस दिन इसको जहर की गोली खानी पड़ेगी. बोल दे. राजा जाओ, जाकर इसे कह दो कि सोनिया ने हाँ कह दी रे. लगता है खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से हुई है इसकी. हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तेरे सपने में हुई थी. याद है ना, लड्डू शड्डू बर्फी शर्फी भगवान शकवान. ये नहीं हो सकता. ये हो गया है और ये तो होना ही था. वैसे अब हम यहाँ नहीं रुके हैं क्योंकि यहाँ हमें जलने की बू आ रही है. जलने की बू? जलने की बू. जब भी बॉबी और सोनिया का नाम लिया जाता है, लोगों के दिल जल जाते हैं. अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो खुली फिजा में चलते हैं. चलो. कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं. अच्छा तो अब हम चलते हैं. पंडित जी जल्दी आइए और कुछ उपाय बताइए. अरे ऊपर किधर जा रहा है तू? मैं इस घर का मालिक पोपटलाल. मैं विक्की से मिलने जा रहा हूँ. अरे टीवी पर क्रिकेट का मैच देखने जाता है, है? लेकिन हमारा टीवी खराब है नहीं? देखो मेरे पास क्रिकेट का मैच देखने के लिए वक्त नहीं है. अरे तेरे को टीवी रिपेयर करने को नहीं आता है? हाँ तू तो पंडित है, तेरे को कैसे आएगा? आप महान है, चलो इतना तो जान गए. नमस्ते नमस्ते. जाओ 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 जाओ. अरे मैं जा नहीं रहा हूँ, दो मिनट मुझे विक्की से मिलना है. ए, तेरे को डबल लगी है, है? तो इधर किधर जाता है ऊपर? इधर क्या म्यूनिसिपालिटी का शौचालय है? बाहर जाओ ना. ए, उठक बैठक ज्यादा मत करो, खराब हो जाएगा तो साफ कौन करेगा? अरे रे 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 रे, ये सब क्या कर रहे हो? हम साफ नहीं करूंगा. एक कम था जो दूसरा आ गया. अरे रोता क्यों है, बाहर चला जानी. हाँ बंगले के बाहर चला जा. क्यों पिटता है?
अच्छा जो मैं बोलता हूँ इसकी समझ में नहीं आता है तो बेड़ा तो मैं हूँ ये थोड़ी है। अब बोल पंडित तेरे को क्या बोलने का है? तेरे को कुछ नहीं बोलने का है, मैं तेरे को माफ कर दूँ? चलो कर दिया माफ, लेकिन एक बात बता, तो अंदर क्यों जा रहा था? आप रो मत, मैं इनको समझाता हूँ। अच्छा अच्छा बका, तू आता है तू पाता विकी को मिलने जाता है तो पहले ही क्यों नहीं बोला? मैं बिल्लू, मैं पंडित हूँ, मैं लोगों की कुंडली पढ़ता हूँ। मैं बिल्लू, मैं पंडित हूँ, मैं लोगों की कुंडली पढ़ता हूँ। अरे हाँ मुझे मालूम है आप बिल्लू हैं, आप ही पंडित हैं, लेकिन क्या हुआ आपको? मैं बिल्लू, मैं पंडित हूँ, मैं बिल्लू हूँ, मैं पंडित हूँ। क्या पोपट की तरह बार बार बिल्लू पंडित, बिल्लू पंडित? पोपट पोपट पोपट। लो अब इनकी सुई पोपट पे अटक गई। आखिर आपको हुआ क्या है पंडित जी? वो तुम्हें पागल कर देगा, तुम इस घर को छोड़ दो। अरे मैं ये घर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ पंडित जी? देखिए अगर सोनिया के पड़ोस में नहीं रहूंगा तो सोनिया मुझे कैसे मिलेगी? हाँ वो तो है, लेकिन 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 कुछ नहीं, जब तक मुझे सोनिया नहीं मिल जाती मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा और पोपटलाल मेरी ऐसी तैसी करता ही रहेगा। तू हेल विद योर ऐसी की तैसी पंडित जी। अरे हेल 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 नहीं, हेल नहीं, हल हल मतलब आपकी मुसीबत का हल हम बाद में ढूंढेंगे, पहले मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या तो एक ही है पंडित जी, मेरी जान का दुश्मन, मेरे प्यार का दुश्मन बॉबी। उसने पहले सोनिया को और उसके बाद उसकी मम्मी पापा को वश में कर लिया है। पंडित जी प्लीज इस बॉबी को रास्ते से हटाने का कोई उपाय सोचिए। उपाय? उपाय इसका कोई उपाय नहीं, पोपट से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि पोपट का ये घर सबको अपने पास आकर्षित करता है। आकर्षित? आकर्षित यू मीन अट्रैक्ट? यू मीन अट्रैक्शन? आई गॉट इट, इस घर में ही कोई अट्रैक्शन है, तभी सोनिया पहले मेरी तरफ और उसके बाद उस बॉबी की तरफ आई मीन आकर्षित हुई। मुझे उपाय मिल गया। उपाय मिल गया? मुझे भी बताइए ना क्या करना है। आपको सिर्फ आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद? आशीर्वाद देना है? अरे क्या कर रहा है, मेरे को तेरे आशीर्वाद नहीं चाहिए, चल हट जा इधर से। जाता हूँ मैं जाता हूँ, जाता हूँ मैं जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं लेकिन जाता हूँ मैं। अरे पंडित जी पोपटलाल जी, आज आपने बेचारे पंडित जी को रुलाया ना, कल मैं आपको रुलाऊंगा और फिर जाके होगा हिसाब बराबर। अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल तैयार रखना पोपटलाल जी। अरे विक्की तुम मेरे को उड़ कितना रुलाएगा सेठ जी ऐसा बोलते हैं। अरे नहीं नहीं रुलाएगा नहीं, पिलाएगा पानी पिलाएगा। अरे तो पोपटलाल जी का दिल बहुत छोटा है, अब बात बात पर रो पड़ते हैं। मैंने कहा कि बॉबी ने गाली देता है तो ये रो दिए। अब मैंने कहा कि बॉबी के रिश्तेदार इस घर में आने वाले हैं तो ये रो पड़े। अब अगर इससे बुरी बात मैं उनको बताऊंगा तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो सेठ जी बोले अब तुमको जो बोलना है मेरे को बोलो ताकि मैं उसे बाबी को मार मार के घर से निकाल दूं। मतलब बता दूं? बता दूं? रोने तो बंद करो। अरे क्या हो रहा है? राजा क्या हो गया, क्या कह रहे हैं अंकल? सेठ जी कह रहे कि भला वो बिक्की का जिसने बता दिया कि तुम इस घर में कब्जा करने वाला था, इससे पहले कि तुम मेले को घर से बाहर निकाले हम तुमको निकाल देगा। अरे मगर अंकल मैं ये तो मेरा बैग है। तुम्हारा बैग है फेंकने के लिए रखा है। देख लूंगा विकी तुझे, देख लूंगा। देख लेना बॉबी देख लेना, अभी तो पोपटलाल जी ने तुम्हें अपने घर से निकाला है,
अब तो सोनिया भी तुम्हें अपने दिल से निकाल देगी, और ये तो होना ही था। डरता का है रे ससुरा, ठाकुर को बुला। ठाकुर ठाकुर, तेरा सेठ, क्या नाम है तेरे सेठ का? रामलाल। रामलाल तो तेरा नाम है, क्या नाम है तेरे सेठ का? बोल क्या नाम है तेरे सेठ का? राजा तू मेरे को नाम से बुलाता है? आओ पोपट आओ। पोपट नहीं, पोपट लाल। पोपट वो भी लाल। आ, लाल लाल आ। ये कौन है? बर गा क्यों खा गया गपड़े ऐसा बोल ली? वो तो कब से मर गया? मर नहीं गया था भाई, मार दिया गया था। अरे मर गया के मार दिया गया, दोनों बात तो एक ही है ना? तू कौन है? उसका भूत है? नहीं, दूध। किसका दूध है तू? शोले एक्सप्रेस का। ये शोले एक्सप्रेस चंबल जाती है क्या? नहीं, हर जगह जाती है। अच्छा है तुम डाकू लोगों ने धंधा शुरू कर दिया, रेलगाड़ी चला के पब्लिक का सेवा करता है ना तुम? ए लाल पोपट, बोल। वो रेलगाड़ी नहीं बे। तो फिर ये शोले एक्सप्रेस क्या है? कुरियर। तुम डाकू लोग चंबल की घाटी मेड़े के बहुत स्मार्ट हो गया है नी, कुरियर सर्विस चालू कर दिया। ज्यादा बात करने का नहीं समझा? अरे हम किधर बात करते हैं, तुम मजबूर करता है इसलिए बोलता है, नहीं बोलेगा तो तुम हमको मार डालेगा। नहीं मार डालेगा, मार डालूंगा तुझे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं बाबा, मेरे पे दया क्यों करता है? क्योंकि तुझे एक संदेशा देना है रे। लेकिन आज तो संडे है, संडे के दिन कौन सा कुरियर चालू रहता है? शोले एक्सप्रेस, जो संडे के संडे सबको संदेशा देता रहता है। मेरे लिए कौन सा संदेशा है? देखेगा। ये कौन सा संदेशा है बाबा? ये नहीं है रे। तो फिर ये है। ये संदेशा है? ये संदेश आगे के किधर चला गया पापा? गया गया सेठ जी। हाँ? मुझे लगता है कि इसमें बम है। बम बम होगा तो मैं तेरे हाथ में दे देगा ना। क्या? हाँ, पकड़ लेना। आइए ठीक है। सेठ जी आप रो क्यों रहे हो? अरे वो चला गया ना। कौन चला गया? अरे जिसको नहीं जाना था वो चला गया। किसको नहीं जाना था? बॉबी, बॉबी को नहीं जाना था। लेकिन उसको तो आपने ही घर से निकाल के फेंक दिया था ना? वही तो मैंने गलती किया ना। ये देखे। इसमें क्या लिखा है? हाँ तू तो अनपढ़ है, तेरे को तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है सेठ जी, पहले रोना बंद करिए फिर बताइए। अरे मेरे आंसू तो पोछ। ये लीजिए। अरे तू मेरे को अंधा कर देगा क्या? वो तो आप वैसे ही होने वाले हो कल। क्या बोला? कुछ नहीं, क्या लिखा है इसमें? बॉबी के डैडी का चिट्ठी है। तो मर गए क्या? अरे मर जाएगा तो चिट्ठी कैसे लिखेगा? मर जाएगा तो चिट्ठी कैसे लिखेगा? हाँ लेकिन लिखा क्या है? मेरे को लिखा है कि मेरा बेटा बॉबी आपके घर में पेंगेस रहता है, अगर बेटे को संभाल के रखेगा तो मेरा एक का एक बेटा है, मैं आपको 2 करोड़ रुपया देगा। 2 करोड़ रुपया? अभी मेरे को क्या मालूम कि इतने बड़े बाप का बेटा है, उसके पास तो मेरे जैसा 10 बंगला है, 4 फैक्ट्री है, 10-12 गाड़ी है, तेरे जैसा 10 नौकर है घर के अंदर। अरे तू काई कुड़ोता है? अरे मेरा भी तो इतना नुकसान हो गया। अरे तेरा कौन सा नुकसान हो गया? अरे आपने अगर हमको नौकरी से निकाल दिया होता तो बॉबी साहब क्या नौकरी तो मिल जाती है, वो भी नहीं मिलेगी। नहीं कुछ भी करके बॉबी को ढूंढ के ला। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ।
बॉबी बेटा तू आ गया? खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। अरे कैसी बात करता है तू? सच्ची कह रहा हूँ, आप पर मानहानि का मुकदमा करने आया हूँ। अरे तू अपने अंकल को भूल गया क्या? अरे कैसा अंकल, कौन सा अंकल? आप मेरे अंकल नहीं हो, यू पोपट, यू गोइंग टू जेल। अरे ये तो सोले फिल्म का डायलॉग है ना। अरे तू चुप कर, मैंने तो तेरे को गोद में खिलाया है। झूठ, सब झूठ। अरे क्या झूठ, क्या झूठ बोलता है तू? हैं? तूने ही तो बताया था मेरे घर से जो रास्ता मुड़ता है वो तुम्हारे घर पे जाके रुकता है। सही नहीं है ये। तेरे बाप का नाम मनमीत है ना, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मेरे पापा आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। अरे है बाबा, तू झूठ क्यों बोलता है? हाँ ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ बस। तो लेकिन वो सच हो गया ना झूठ। ये देख उनका चिट्ठी। ये चिट्ठी मुझे क्यों दिखा रहे हो? समझ गया, ये चिट्ठी दिखाकर मुझे आप कमजोर करना चाहते हो ताकि मैं यहाँ रुक जाऊँ। और मुझे रोक के तो दिखाओ। अरे मेरे को नहीं इसको रोकने का है। नहीं अंकल, इसे मत रोकना। इसकी बात मत सुनो अंकल, मुझे रोक के दिखाओ। पोपट अंकल, इसकी बात मत सुनो, मत रोको इसे। रोको, मत रोको, रोको। नहीं, हाँ। चुप करो, मेरे को किसी का भी बात नहीं सुनने का है। अंकल मैं, अरे चुप करो ना, बोला ना तुमको। मेरी बात सुनो। अरे तेरा भी बात नहीं सुनने का है क्या? बेटा तू इधर ही रहेगा नहीं? ये तो होना ही था, मेरे को मालूम है। जिस दिन मेरे को दिखता नहीं है ना विक्की, उस दिन अलग अलग लड़कियां बुला के गोलमाल करता है। अब जो भी कुछ यहाँ पर होगा खुल्ला खुल्ला होगा। अरे ये तो तुम्हें प्रीति जिंटा से भी बड़ी हीरोइन बना देंगे। हो जी, मतलब तुझे हीरो बनना है? ओ हीरो नहीं जी, विलेन, विलेन, बैडमैन। बॉबी जी बैडमैन। ये तो होना ही था।